हेलो एवरीवन, वीडी टीवी ऑटो में आप सभी का स्वागत है। रॉयल एनफील्ड ने अपनी सुपर मैट्रियर 650 बाइक को सबसे पहले 2022 में EICMA में शोकेस किया था। इसके बाद गोवा में आयोजित हुए राइडर मेनिया में भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। अब कंपनी अपनी इस क्रूजर बाइक को अगले वर्ष 2023 में साल के अपने पहले प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करेगी। इस बाइक की कीमत का खुलासा जनवरी में हो सकता है। ये भारत में कंपनी की सबसे महंगी बाइक होगी, जिसकी शुरुआती कीमत 3.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है और इसके टूरर वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 4 लाख रुपए से शुरू होने की संभावना है। कंपनी पहले ये जानकारी दे चुकी है कि सुपर मीटियोर 650 दो वेरिएंट्स में आएगी, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट इंटरस्टेलर ग्रे और हरा और एस्ट्रल नीले काले और हरे पेंट स्कीम में उपलब्ध होगा, जबकि इसका टूरर सेलेस्टियर वेरिएंट ब्लू और रेड पेंट स्कीम में मिलेगा। ये कंपनी की तीसरी बाइक है जिसे बिल्कुल नए चेसिस के साथ 650 सीसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस क्रूजर बाइक में बहुत सारी खूबियां दी गई हैं जो कंपनी की किसी और बाइक में नहीं मिलती। इस बाइक में स्टैंडर्ड फिटिंग के साथ ट्रिपर नेविगेशन पॉड, शोवा USD फॉर्क सस्पेंशन, एक फुल LED हेडलैम्प मिलेगा, जबकि टूरर वेरिएंट में इस फीचर्स के अलावा बड़ी विंडस्क्रीन और पिलियन सुपर्च भी मिलेगा। साथ ही इस बाइक में बैक रेस्ट भी मिलेगा। नई रॉयल एनफील्ड 650 सीसी बाइक में वही 648 सीसी इंजन मिलेगा। जी इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल GT 650 सीसी में भी मिलता है। ये इंजन 7,250 RPM तथा 47 BHP की अधिकतम पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। रॉयल एनफील्ड का दावा है कि इस क्रूजर बाइक में इंजन में मैपिंग और गियरिंग और ये 2500 RPM पर 80% की पीक टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है। KTM 390 ड्यूक भारतीय बाजार में 2,94,976 की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसमें एक 373.27 cc का BS6 इंजन लगता है, जो 42.9 BHP की पावर और 37 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक के साथ एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसकी फ्यूल टैंक क्षमता 13.4 लीटर है और हो सकता है इस बाइक को सबसे बड़ी टक्कर KTM 390 ड्यूक बाजार में दे। वीडी टीवी ऑटो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।